हमारा आंदोलन इस बात को लेकर के स्टार्ट हुआ था कि एक IHA मैनुअल इस कैंपस में लागू किया गया था, जिसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो स्टूडेंट के अगेंस्ट थे, जिसमें से फीस वृद्धि का था, फिर से ड्रेस कोड की बात की गई थी और कर्फ्यू टाइमिंग की बात की गई थी। तो जो फीस वृद्धि का जो मामला था उसमें ये था कि जो मेस के जो कर्मचारी होते हैं उनको सैलरी अभी तक प्रशासन के द्वारा दिया जाता था, लेकिन अभी वो बोल रहे हैं कि उनका जो सैलरी होगा स्टूडेंट के अकाउंट में ऐड होगा, जिससे जो मिस बिल अभी तक 2500 तक आती थी वो मिस बिल अभी 6000 से 8000 के आसपास आएगी। और दूसरी बात बता दें कि अभी तक मिस बिल नो प्रॉफिट के तर्ज पे के आधार पे चलता था, जितना खर्चा होता था उतना स्टूडेंट देते थे, लेकिन इसके आने से क्या होगा कि जो गरीब स्टूडेंट इस कैंपस में पढ़ रहे हैं, जो केवल 2000 रुपये की स्कॉलरशिप पर डिपेंडेंट हैं, अगर वो उनका मेस फीस अगर 6000 हो जाएगा 8000 हो जाएगा तो वो लोग मजबूरन अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ करके जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो उन लोगों का भी प्रेजेंस इस कैंपस में रहे, इसलिए ये आंदोलन शुरू हुआ था। देखने में आ रहा है इधर कुछ दिन पहले कि सोशल मीडिया पर JNU के खिलाफ एक जहर उगला जा रहा है कुछ खास लोगों के द्वारा। मीडिया में भी कुछ लोग हैं जो JNU को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो असलियत है वो शिक्षा को सस्ते करने की बात है, और वो सस्ती शिक्षा सिर्फ JNU तक नहीं है। हमारे डिमांड में ये है कि अभी जो यानी EP 2019 आया है उसमें साफ साफ कहा गया है कि शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन होगा, जो यूनिवर्सिटीज़ होंगी उनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की बात कही गई है, यानी कि वो अपना फाइनेंस अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करेंगी। इसका मतलब ये होगा कि जो फीस होगा और उसके साथ साथ जो खर्चे होंगे वो स्टूडेंट को खुद से देना पड़ेगा।